खिलाफ इतना जहर भरे कि उन्होंने मर गया तो अफसोस भी नहीं होता। राजू पाटिल साहब नारायणगढ़ में एक मीटिंग में थे, मानव अधिकार, कहां गए राजू पाटिल साहब? हाँ तो पीछे भ्यून होता उसकी पार्टी से आए बोल रहे। तो राजू पाटिल साहब मानव अधिकार की मीटिंग लगाए, मैं वो मीटिंग में गया, मेरे को बोले मैं मानव अधिकार का मसला बहुत गायन है। मैं बोला भाई सबसे पहले बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुसलमान को मानव मानते क्या? बोला यहाँ के लोग मुसलमान है तो मानव है कि नहीं है? क्योंकि जो गैर बराबरी वाली व्यवस्था है ना हजारों सालों की, उन्होंने ऐसा दिमाग में डाला है कि ये असुर रहते हैं, ये जिनको मारो तब इंसानों को मारे, पहले असुर बोल के राक्षस बोल के मारे हमारे बुजुर्गों को, अछूत जमाते बनाए उनको, असुर बनाए राक्षस बनाए और इंसान को इंसान ने मार दिया राक्षस बोल के। तो आज मुसलमानों को भी उन्होंने ऐसा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में ऐसा भर दिए कि मुसलमान बहुत खूंखार है, खतरनाक है, ये मीडिया वालों की तरफ से बता के। लेकिन आज उनको सवाल पूछता हूं मैं कि जो राजस्थान में वो अफजलूर को मारने वाला खूंखार शंभू नाम का वो कौन है? हाँ वो इंसान है क्या? किसी इंसान के टुकड़े करके जिंदा वहां पे उसको मार के जला रहा हो, एक इंसान तो ये काम नहीं कर सकता। बहरहाल ये बता रहे कि मुसलमानों के ताल्लुक से मानवीय मूल्यों को खत्म कर दिया, मुसलमान मर गया तो अफसोस कम होता है, रास्ते पे लहूलुहान एक खाली लाश गिरी है तो कोई भी देख के चुप 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 करते, अरे बहुत बुरा हुआ, जब उन्होंने पूछते कौन है मुसलमान से होता, बरबर ठीक है, अफसोस कम हो जाता है। यानी कोई भी इंसान मरेगा तो अफसोस है, मुसलमान मरेगा तो अफसोस आधा हो जाता है। ऐसी गैर बराबरी वाली व्यवस्था है मुल्क में उनके जहनों में, उनको भी लग रहा मुसलमान मर रहा खाली। लेकिन मैं उनको पूछता हूं कि अखलाक को जुनेद को मारने वाली ताकतों ने इस मुल्क में दाभोलकर को भी मारा, पानसरे को मारा, गौरी लंकेश को मारा, कलबुर्गी को मारा, वो मुसलमान नहीं थे। लेकिन ये जहरीली ताकत है, इनके पीछे अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई भी खड़े रहेंगे तो ये इमारत के वक्त एक बार इनके मुंह को खून लग गया तो ये नहीं देखेंगे मुसलमान है, वो तो हर जमहूरियत पसंद हर दस्तूर पसंद आदमी को मारते हुए घूमेंगे। इसलिए ऐसी वायलेंस फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ में एकजुट हो जाओ, जमहूरियती तरीके से लड़ना है हमको, दस्तूर को बचाने की लड़ाई लड़ना है। आज देखो कि कौन कौन नहीं आया, अकलियत रास्तों पर आई, बाद में अक्सरियत रास्तों पर आई, पत्रकार रास्ते पे आए, निखिल वागले के जैसे कई सैकड़ों पत्रकार हैं जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी क्योंकि मीडिया उनसे दलाली कराना चाहता था। पत्रकारों के बाद साहित्यिकों ने आवाज उठाई, यहां तक कि फिल्म कलाकारों ने, गजलकारों ने, सिंगरों ने, सबने आवाजें उठा दी इस हुकूमत के रवैये के बारे में, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, लोगों ने जागृति नहीं आई। आज सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है कि जिसको चीफ जस्टिस बोल के बिठा दिया गया पिछले 6 महीने से ये दस्तूर के खिलाफ काम कर रहा है और हुकूमत का प्यादा बन के काम कर रहा है और करप्शन पूरी न्याय व्यवस्था को कैंसर के जैसे खोखला बना रहा है। ये चार सुप्रीम कोर्ट के जज ने 70 साल के आजाद मुल्क में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आके जनता के दरबार में बोल रहे हैं कि लोगों समझ जाओ ये हुकूमत ने न्याय व्यवस्था को भी अपाहिज बनाने का काम कर दिया है। लेकिन हम सोए हुए हैं। मैंने कहा ना शहर खामोशा, मैं रुका, अंदर गया, सलाम किया, दुआ की, कहा बहुत सुकून से हो, आराम से सो रहे हो। उन्होंने कहा हम नहीं सो रहे, सो तो तुम रहे हो, हम तो सोने की सदा भुगत रहे हैं। अगर आज आप नहीं जागोगे इस नींद से तो आपको भी सोने की सजा बहुत जल्द भुगतनी पड़ेगी, आपको भी शहर खामोशा का बहुत जल्द रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए दिगर समाजों के साथ जुड़ना है, हर समाज के आदमी के पास जाओ। ब्राह्मण्यवादी ताकतों के खिलाफ मैंने बात की है, ब्राह्मण्यशाही की बात की है, ब्राह्मण जाति की नहीं, जिसने इस स्टेट को महाराष्ट्र को रैशनलिज्म दिया, विवेक दिया, दिमाग दिया, वो दाभोलकर ब्राह्मण जाति में थे। इसलिए कई जात का खिलाफ नहीं है हम, लेकिन ब्राह्मण ने खुद को ऊंचा और बाकी सबको नीचा सोचने वाली इस सोच के खिलाफ है, उस सोच के खिलाफ एकजुट हो जाओ। हजारों सालों की गुलामी की बेड़ियां हैं, उसको तोड़ना है हमको, और उसको तोड़ने के लिए किसी का जात मजहब मत पूछो, किसी मजलूम पे जुल्म हो रहा है उसके बाजू खड़े हो जाओ, उसको बोलो तू अकेला नहीं मरा तो मैं भी मरूंगा। जमहूरियत में जान देना हराम है, गुनाह है।
खुद की जान देना नहीं है, किसी की जान लेना हराम है। अपनी जान तो दे सकते हैं इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के दस्तूर की खातिर, इस मुल्क के जमहूरियत की खातिर। हमको मौत भी आती है तो हम हंस के कबूल कर लेंगे, लेकिन इन भेड़ियों के हाथों से साजिश की मौत नहीं मरेंगे। हम लड़कर मरेंगे, झंडा और डंडा उठाकर एकजुट होकर आंदोलन करके लड़ेंगे मरेंगे। इसलिए देगलूर के तमाम नौजवान जो ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ से चुनना चाहते हैं, आप लोग एक इंकलाबी जमात हो, आपको कोई पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है। आप कलम और कानून के दम पे अपनी हर मांग पूरी कर सकते हैं। इस मोहल्ले के नगर सेवक से लेकर इस इलाके के आमदार और इस इलाके के खासदार को तक आप अपने हुक्म के हिसाब से चला सकते हो, क्योंकि वो सेवक है आपकी सेवा के लिए। लेकिन आप ही बढ़ गए आपस में लड़ रहे, इनको सही बात ही इन तक नहीं पहुंच। आप एक तरीके से दो, मैं देगलूर के तमाम नौजवानों को यह वादा करता हूं, आमदार सुभाष साहब ने साहब से पूछे बिना कि आप जो भी जायज शिकायतें हैं देगलूर शहर की और तालुके की, उसको कागज के ऊपर लाओ, आप पूरा एजेंडा बनाओ, 15-20 दिन के बाद वो एजेंडा की कॉपी आप मुझ तक पहुंचाओ, मैं आमदार साहब तक उसको पहुंचाता हूं। 10 दिन के बाद, एक महीने के, यानी आज से एक महीने के बाद, जब भी आमदार साहब की उपलब्धता होगी इसी शहर में, इसी शहर के किसी हॉल में या रेस्ट हाउस में, इस शहर के नौजवानों के साथ में हम खुद आमदार साहब के मौजूदगी में मीटिंग लेंगे, आपके मसले मसाइल उन तक देंगे और उनको उन मसले के ऊपर महीना, डेढ़ महीने, दो महीने काम करने की मोहलत देंगे, और अगर नहीं हुई तो आमदार साहब तुम्हारे भी खिलाफ में हम जमहूरियती तरीके से जंग का आगाज करेंगे। इसलिए आप लोग मुत्तहिद हो जाइए। इस मुल्क में फिरका परस्त चाहते हैं कि कोई एक रंग का, हमारे वकील साहब कह रहे थे इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता है। इस मुल्क को जितने लोगों ने जान दे देकर आजाद कराया वो एक रंग के नहीं थे, तो फिर ये मुल्क एक रंग का कैसे हो सकता है? एक रंग हो जिसका ऐसी तस्वीर नहीं है, एक रंग हो। वैसे भी देखो, एक आधे बगीचे में आप जाते हो तो रंग बिरंगे फूल होते हैं, बोल के बगीचा है ना, एक ही रंग के फूल लगे वाले रहेंगे तो आपको वहां मजा आएगा क्या? खाली लाल गुलाब के झाड़ लगे वाले तो क्या मजा आने वाला है? लाल गुलाब भी हो, पीला गुलाब भी हो, सफेद भी हो, नीला भी हो, हर रंग के फूल रहेंगे तो वो गुलशन आबाद रहेगा, एक रंग से नहीं हो सकता। इसलिए शायर ने कहा है, एक रंग हो जिसका ऐसी तस्वीर नहीं है, तन्हा किसी के ख्वाब की ताबीर नहीं है, तन्हा किसी के ख्वाब की ताबीर नहीं है, मुमकिन नहीं है इस मुल्क से किसी को निकालना, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसलिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत का अगर कवच पहन लोगे ना, जमहूरियत का कवच पहन लोगे और दस्तूर के दायरे में रहोगे ना, इस मुल्क की बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने टखनों पे झुक जाएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। और शिवाजी महाराज से लेके महात्मा फुले, शाहू महाराज से लेके बाबा साहब अम्बेडकर तक, इन्होंने बता दिया कि बिना किसी, बाबा साहब ने मैंने मिसाल दिया आपको, बिना पत्थर उठाए, बिना तलवार उठाए, इतनी बड़ी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने कौम को उन्होंने बुलंदी पे ला लिया। हमको भी जमहूरियत के दायरे में कलम उठाकर, तलवार नहीं कलम उठाकर आगे की जंग लड़नी है। आप मुत्तहिद हो जाइए, जो भी नौजवानों के मसले मसाइल है उसकी लिस्ट बनाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द, जब भी आप हुक्म करेंगे हम हाजिर होंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, आमदार साहब से करेंगे। इंशाल्लाह इस शहर की कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, इन नौजवानों के साथ में मिलकर हम लड़ेंगे। ये नौजवानों की टीम के पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इन नौजवानों के साथ में हम पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। आप अपनी दुआएं बख्शिए, आप अपना सपोर्ट दीजिए, इनका कोई सियासी मफाद नहीं है, ये सिर्फ अपने शहर में अपनी बस्तियों को सुधारना चाहते हैं, कौम को सुधारना चाहते हैं, इनके तालीम की, इनके रोजगार की सहूलतें चाहते हैं, ये पूरी जमहूरियत के हक से मांग रहे हैं। इनके साथ में आपको साथ देना है, इनके साथ दुआएं देना है आपको, और हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो इंशाल्लाह शहीद आजम भगत सिंह ने जो ख्वाब देखा था कि मेहनत कश और आम लोगों के हाथ में हुकूमत होगी और खास लोग उनकी गुलामी करेंगे, इंशाल्लाह वो ख्वाब जरूर पूरा होगा। आप सब लोगों ने बुलाया, हमारा इस्तकबाल किया, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।